भाई अभी खरौड़े बनाने सिखाने तू खरौड़े साइज चेक करो भाई तुम किन्ने नीट एंड क्लीन है तो देखो तुम आप भाई सर्दियों की खुराक कहें जरा इन खाएगा ना सारी सर्दी निघा रहेगा पूरा इन्ना इन्ना घ्यो निकलता है चो वैसे तो असी बनाई दे चिट्टे मक्खन के बच्चे लेकिन पब्लिक की डिमांड आई है कहते भाई सानू देसी घ्यो का बना के खवाया करो जो खरौड़े बनावे देसी घ्यो के सब तो पहले अं देसी घ्यो अपना गर्म करा तो बाद असी पावे लसन अदरक हरी मिर्च की पेस्ट इनू थोड़ा बुनाई करांगे असी हल्दी नमक देगी मिर्च धनिया पाउडर इस सारा सारा समान पाने तो बाद असी इनू चंगी तरह गर्म सारा ही अपना समान तांबे के भांडे बनाई दा ए स्वाद भी वखरा आता है जायका भी वखरा आता है तो भांडा देखो कली किया है ग्रेवी का कलर भी सब तो वधिया आता भाजी है वेखो जी हूँ साडा सारा घ्यो उपर आ गया है सारा लसन अदरक भुजाई पूरी हो गई है किड्डा सोहना गोल्डन कलर आ गया है साडा हूँ अं अच पावे भाजी प्याज प्याज भाजी बॉयल करके ग्राइंड करके इनू हूँ भुनागे जी थोड़ा जहा ही इनू 10 मिनट ला के भाई यदि भुनाई करा घ्यो बिच बनाई किते तो भाई स्वाद ही वखरा है जायका ही वखरा है जे ज्यों ज्यों भुजदा ही हुंदा जाएगी सारी घ्यो दा उपर रहेगा कली दे कारण तुसीं वेखना ग्रेवी का कलर किड्डा सोहना आएगा इहो खासियत हैगी तांबे दे भांडे की तकरीबन अहीं इहदे विच 1.5 तों 2 किलो टमाटर पावांगे भाजी खरौड़े भाई साडे तैयार है असीं इहनू कढ लैणे हुण तुसीं इह चैक करो भाजी जिन्ना घ्यो सारा उपर आया है खरौड़ियां दा अपना नैचुरल घ्यो जे तो अभी जॉइंट्स की ग्रीसिंग के काम आना जे फ्रैक्चर के काम आना जे जो अनु बॉयल करना ना थोड़ा जहा हल्दी लसन अदरक थोड़ा जहा मोटा मोटा पाई दिया मेरा घ्यो है जे घ्यो जरा खा जाएगा ना खरौड़ा वो नहीं जा जाता कि होर साइज चेक करो भाजी खरौड़े का अमृतसर से कौन है कि एडा खरौड़ा लभ के होगा वे निकिया निकिया खरौड़ियाँ बना दे तीन उंगलों खत्म हो जाए भाजी घ्यो ही होर पावे जी घ्यो खुला पाँगे भाजी मजा ही स्वाद ही घ्यो का आना तू एवं तो नहीं दुनिया दौड़ दौड़ के आती साढ़े प्यो ने सू एक गल समझाई है जिन्ना खुला घ्यो पावे बनाई उन्नी सोहनी होनी है सौदा उन्ना स्वाद बनना स्वाद सारा इन्ना ही देना जिन्होंने कहें ना स्वाद इन्ना ही देना स्वाद तू भाजी हूँ अं अपना खरौड़े सूप है पावे जी खरौड़े सूप भाजी है साडा प्योर देसी घ्यो अही पाया उ खरौड़े का घ्यो डबल पावर हो गई जे लोग तरसते भाजी है सूप वाली ग्रेवी लोग पानी पाते पाते अही नहीं कभी पाया पानी दिहाड़ी 2 बारी भाजी तैयार करी दे जे एक बार सवेरे लंच टाइम वास्ते एक बार शामी राती डिनर वास्ते ओके भाजी हूँ तुम चेक करो जी ग्रेवी का कलर देसी घ्यो तो खरौड़े का घ्यो घट्टो घट इंची 1.5 इंची परत होनी भाजी घ्यो की तो तुम कहते खुला घ्यो तो इन्ना ही स्वाद देना है ताडा तुम चेक करो ग्रेवी साड़ी तैयार है गड़का इनू आ गया है भाई है साडा सूप वाली ग्रेवी जिन्हों कहते तैयार है जी हूँ असी खरौड़े जड़े अपने है पावे जी जो कहे उदागे भाजी चेक करो पूरी पूरी गिठ तो व्डा जे ए नहीं कि एक जड़े मर्जी पीस नू हाथ लाओ तुम लो भाजी साढ़े बब्बी चिकन कॉर्नर की स्पैशल खरौड़े सर्दियों की खुराक है तैयार जे पतीला खाली होने लगे टाइम नहीं है लगना मैं तो चेक करो घ्यो उत्ते 1.5 इंच 2-2 इंच घ्यो की परत हैगी जे इन्ना ही स्वाद देना है तुहानू देसी घ्यो होने खरौड़े का घ्यो होने यह साडा तैयार है जी हुण जिसले कस्टमर की डिमांड आई असी इनू सर्व करके दे सकते हैं तो सारे भैन भरावों बेनती है मेरी जसमीत सिंह वालों बब्बी परिवार वालों एक बार आके दर्शन जरूर देना भाजी लोकेशन हैगी बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर क्रिस्टल चौंक कूपर रोड अमृतसर टाइमिंग हैगी सवेरे 12:30 बजे तो लैके राती 11 बजे तक जी।